Please welcome to our YouTube channel Amazing Guy Gallery. This side Rishabh and Shahwaz Ali. तो जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि डबल इंट्रो दिया गया है आपको, और जब जब डबल इंट्रो होता है तब बहुत ही खतरनाक से धमाके हम लेके आते हैं. तो सबसे पहला तो धमाका जो होने वाला है वो होने वाला है, ये देखिए कार्टन रखा हुआ है, इसका धमाका होने वाला है. तो आज इसका केक जो है हमारे शावेज भाई काटेंगे. शावेज भाई चलिए इसका केक काटें. चाहूंगा इसमें है क्या. बिल्कुल, इसमें आपको अदनान अली के ब्लॉक मिलेंगे और टेरिस चैंपियन मिलने वाला है, एकदम नए अवतार में, एकदम धमाकेदार. और बहुत सारी उधर आप देख सकते हैं कितने सारे बॉक्स रखे हुए हैं, इनकी भी अनबॉक्सिंग साथ में ही होगी आज. हाँ, और कई सारी आपको अपडेट्स भी देनी है इस वीडियो में, कई सारी नई चीजें भी हैं जो हम करने वाले हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे. तो चलिए जल्दी से इसका केक काटते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जो मांझे हैं इसके अंदर हम आपको वो दिखाते हैं. और एक बात और बताना चाहूंगा कि एक अपडेट अनबॉक्सिंग से पहले मैं देना चाहूंगा, कल ठीक 1 बजे हम बरेली में आपको लाइव मिलेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करिए और सपोर्ट करिएगा. बिल्कुल, इंशाल्लाह 1 बजे आपको हम बरेली में ऑनलाइन मिलेंगे कल, और आपको वहां पे दिखाने वाले हैं कि कितने सारे मांझे हम लगवाने जा रहे हैं. बेहतरीन ब्लॉक बरेली के जो फेमस और दिग्गज मेकर हैं उनसे हमारे कौन कौन से ब्लॉक लग रहे हैं, कौन कौन से ब्लॉक वहां पे हमारे तैयार हो रहे हैं, ये सारी तैयारी जो है ऑल इंडिया की है, क्योंकि ऑल इंडिया बहुत करीब है, इसलिए ये तैयारी हमारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है. इसी वजह से हमने अपना बरेली का भी टूर प्लान किया है. तो कल आपको करेक्ट 1 बजे हम बरेली से लाइव मिलेंगे, तो प्लीज उस चीज को सपोर्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को देखेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करिएगा, जिससे कि उनको काफी सारी नॉलेज मिल सके. जो नए मांझे हम अपने तरफ से लॉन्च करने वाले हैं वो मांझे वो देख पाए, और जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए जो हम स्पेशल अपनी डोरी प्रिपेयर करवाने जा रहे हैं, खुद जाएंगे, खुद देख के वहां प्रिपेयर करवाएंगे और आप सबके लिए शानदार स्टॉक लेके आएंगे. तो ये थी कुछ अनबॉक्सिंग से पहले की अपडेट. और कोई भी नॉलेज आपको चाहिए हो, बिल्कुल हमारे पास है उतना, या कोई अपडेट चाहिए हो तो आप उसमें हमारा जो लाइव चलेगा उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, सारे सवालों के जवाब, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आंसर आपको मिलेंगे लाइव. बिल्कुल, तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको इसका केक काट के दिखाते हैं. चरखे देखिए पहले तो, कितने शानदार चरखे आए हैं. कुछ चरखे भी आए हैं यहाँ पर, बहुत शानदार चरखे हैं. इस पे लिखा हुआ है देखिए, शावेज भाई ग्वाल टोली कानपुर. तो ये हमारे एक मनीष भाई हैं दिल्ली वाले, ये उनके लिए एक चरखा आया है, मनीष भाई का चरखा है, और भी एक दो लोग हैं उनके लिए चरखा भी आया है. तो ये तो हो गए चरखे स्टील वाले, ये देखिए. और जैसे कि आपको बताया था टेरिस चैंपियन नए अवतार में, बिल्कुल, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टेरिस चैंपियन चैंपियन का नया अवतार क्या है. ये देखिए, तो देखिए आप, ये है टेरिस चैंपियन, ये देखिए इसमें ट्रांसपेरेंट चरखी पे ये लग के आया है, फाइबर की चरखी पे, बहुत ही मजबूत चरखी है, बहुत ही शानदार चरखी, आप देख सकते हैं. बिल्कुल, ये देखिए. और ये रहा हमारा रॉयल चैलेंजर, इसका रिव्यू मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, जबरदस्त रिव्यू होगा, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल, क्योंकि इस मांझे ने बहुत सारा धमाल मचा के रखा है. जिनके पास भी गया है उन्होंने बिल्कुल महल्ले में एकदम बवंडर सा मचा के रखा है, जहां पर भी वो पतंगबाजी कर रहे हैं, काइट फाइटिंग कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर के साथ, उन सभी लोगों ने एक बवंडर सा मचा रखा है. तो उसका भी आपको एक रिव्यू बहुत जल्द मिलने वाला है, उसमें कई सारे लोगों के रिव्यू आपको एक साथ देखने को मिलेंगे जो कि हमारे रॉयल चैलेंजर से रिलेटेड होंगे. ये देखिए कितना शानदार कलर एक निकला है रॉयल चैलेंजर में, डार्क बालू कलर है ये. शावेज भाई दिखाइएगा जरा, ये है बालू कलर नहीं है ये दोस्तों. हाँ, ये मेहंदी कलर है, बहुत शानदार कलर है और क्वालिटी बहुत दमदार है. तो ये रॉयल चैलेंजर निकला है, इसके बाद चलिए इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, और इसमें काफी सारा लगा हुआ है, ये स्टॉक लगा हुआ है. मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले अदनान अली देख सकते हैं आप, देखिए नंबर वन है ये, 11 स्टार है ये, 11 स्टार है अदनान अली का, जबरदस्त क्वालिटी होती है, बेहतरीन मांझा है ये. तो अदनान अली का एक ये मिला है, निकला है ये, कोलकाता चैंपियन है, 27 स्पेशलिस्ट कोलकाता चैंपियन.
ये देखिए, ये भी वही है, सत्ता स्पेशलिस्ट कोलकाता चैंपियन 2020। और भाई मैं साइड कर देता हूँ, आपको ब्लॉग दिखाना चाहूंगा मैं आपको, कुछ और भी ब्लॉग है। बहुत ही शानदार आप सबके लिए हम स्टॉक लेके आए हैं बरेली। ये देखिए बरेली लॉयन निकला है, मतलब जितने भी मतलब चैंपियन डोरे हैं सारी चैंपियन डोरे आपको मिलेंगी इसमें। ये देखिए, ये देखिए अदनान अली का सूरमा अदनान अली, शानदार। तो अदनान अली के ब्लॉक आए हैं, एक अदनान अली का आया, ये नंबर वन सूरमा मिल जाएगा आपको, सत्ता स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, ये बरेली लॉयन 24 कैरेट मिल जाएगा, जो कि इनका टॉप ब्लॉक है 24 कैरेट भी है हमारे पास, अभी निकलेगा नीचे बिल्कुल, या अगर इसमें नहीं निकलेगा तो दूसरे कार्टन में निकलेगा, कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा। और अब की बार देख सकते हैं कि टेरेस चैंपियन का कितना खतरनाक स्टॉक आया है, मतलब ढेर सारा स्टॉक है टेरेस चैंपियन में। एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, शायद इसमें कलर भी लग के आए हैं, चेक करते हैं। एक अपडेट और, टेरेस चैंपियन 4 तार पे और 6 तार पे है, ये देखिए जो आपको अपडेट शायद देना भूल गए। ये देखिए शाबिश भाई मेहंदी कलर, ये जो टेरेस चैंपियन आपने देखा था अभी, ये अपडेट तो आपको देना ही भूल गया था, मिसिंग हो गई थी हमसे, जहन से निकल गया था। ये टेरेस चैंपियन 6 तार पर है, ये जो शीशे की चरखी आपको देख रही है, ट्रांसपेरेंट फाइबर वाली चरखियां जो ये, इसमें जितने भी टेरेस चैंपियन ये सारे के सारे 6 तार पे हैं, और जो नॉर्मल बैकलाइट वाली है ये 4 कॉर्ड पे, यानी कि 4 कॉर्ड और 6 कॉर्ड, ये 6 तार पर भी आ चुका है। इसके बाद तैयारी है 8400 पर, बिल्कुल इसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा 8400 आर्टिकल पे भी मिलेगा, क्योंकि इस मांझे की जो क्वालिटी है बहुत शानदार है, तो इसलिए हम नई नई डोरों पे भी ट्राई कर रहे हैं कि सेम क्वालिटी आप सभी को प्रोवाइड कर पाएं, बजट प्राइस में आपको प्रोवाइड कर पाएं, जिससे कि आपकी पॉकेट पे भी ज्यादा इफेक्ट ना आए। ये ऐसा क्यों है ये मैं बताना चाहूंगा, ये आपकी डिमांड पर है बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों ने इसको ट्राई किया है उन्होंने हमको सजेस्ट किया था कि आप इसको 8400 पर बनवाइए, 6 कॉर्ड से बनवाइए, और जो भी टेरिस की डोरे आती हैं उन सब पे लगवाइए, सब पे लगवाइए। तो ये पूरी आपको सीरीज मिलने वाली है टेरिस चैंपियन की भी, बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। ये देखिए जैसे इसमें ये मेहंदी कलर निकला है, बहुत शानदार कलर है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस मांझे के जो भाई हमसे ले चुके हैं। हाँ ये 4 कॉर्ड है, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये 4 कॉर्ड मैं खोल रहा हूँ, एक ऋषभ खोल रहे हैं, ये देखिए ये नेवी ब्लू है, वाह तो नेवी ब्लू है, क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए इसकी क्वालिटी देखिए मांझे की, ये 4 कॉर्ड पे है, 4 कॉर्ड की मैं आपको क्वालिटी चेक कराता हूँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए आप इसका डोर के ऊपर जो मेहनत है वो अब आपको नजर आएगी, ये देखिए बहुत शानदार है, ये देखिए शाबिश भाई ये दिखाइए, काटा लगा है डोर में, बेहतरीन मेहनत है डोर में, बहुत जानदार डोर है ये, काटा बहुत शानदार है डोर का, ये देखिए आप, और ये देखिए ये मेहंदी कलर, ये मेहंदी कलर है देख सकते हैं आप, शानदार एकदम, आपको ये डोर चमचमाती हुई दिख जाएगी, किस हिसाब से डोर चमचमा दिखेगा इस डोर के ऊपर, कितना शानदार काम किया गया है। ये क्वालिटी हम आपको 4 तार के ऊपर दे रहे हैं, अब हमने 6 तार भी लेके आए हैं, जल्दी ही मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि जल्दी आपके लिए 8400 के ऊपर भी सेम डोर हम आपके लिए लेके आएंगे, और बहुत ही शानदार प्राइसेस में भी लेके आएंगे। ये देख सकते हैं आप, हल्का सा इसको मूव करिए, हल्का सा मूव करता हूँ मैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पे किस हिसाब से कांच बैठा हुआ है डोर पे। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, और ब्लॉक तो देख ही सकते हैं आप कितना शानदार है। ये रॉकेट पे हमारा जो छत का मांझा था उसका ये पहला ब्लॉक, बिल्कुल इसके बाद कई सारे ब्लॉक, इसकी जानदार और शानदार सफलता के बाद कई सारे ब्लॉक लॉन्च हुए हैं, बिल्कुल, और कई सारे ब्लॉक लॉन्च होने की अभी लाइन में है, कई सारे ब्लॉग अभी और लॉन्च होंगे आप सबके लिए, पाइपलाइन में जो चल रहा है, बिल्कुल हम अपने ही ब्रांड की इतनी सारी रेंज पूरी बना देंगे कि आपको किसी और चीज की कोई तकलीफ ही नहीं होगी। तो अभी मैंने आपको 4 तार ओपन करके दिखाया, अब मैं और शावेश भाई दोनों आपको एक एक चरखा 6 तार के ऊपर ओपन करके दिखाएंगे, और आप देखिए कि कितनी शानदार डोर है ये भी, ये देखिए शानदार, पहले तो काम देखिए आपको मजा आ जाएगा, ये देखिए 6 कॉर्ड है, 6 कॉर्ड में आप जैसे कि देख रहे हैं, ये देखिए
कलर डिफरेंस आप समझ सकते हैं? ये है डार्क सुरमई कलर है ये जो हाँ। बोलते हैं ग्रे बोलते हैं जिसको, और ये कुछ एकदम डार्क कत्थई टाइप का है, इतना ज्यादा डार्क है कि जैसे लग रहा है कि एकदम ब्लैक की तरह है, पर ये ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है। चलिए डोर हम ओपन करके देखते हैं और कुछ देखते हैं। वाह, सबसे पहले तो मैं आपको डोर दिखाना चाहूंगा कि डोर ये बिल्कुल एकदम कांटे जैसी है। बिल्कुल देखिएगा, मैं इसको उंगली पे हल्का सा रफ करने जा रहा हूँ और दुआ करूंगा कि मेरी उंगली कटे ना। कर गई दोस्तों, और देखिए हल्का सा मैंने रफ किया है, जहां पे उंगली मेरी दिख रही है वहां पे स्क्रीन से टच कर देना। तो देखिए दोस्तों, मैंने हल्का सा इसको रफ किया था, देखिए मेरी उंगली पर निशान और काफी गहरा निशान आपको दिख रहा होगा, देखिए नजर आ रहा होगा, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हल्का सा मैंने इसको रफ किया था, ये देखिए आपको दिखेगा किस हिसाब से डोर तुरंत अंदर काट रही है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डोर जिस हिसाब से मैं फील कर रहा हूँ, मुझको तो कहीं से नहीं लग रहा कि ये 6-कॉर्ड रॉकेट है, और ऐसा लग रहा है कि जो डोरें हमारी आती हैं 123/80/57 आर्टिकल के ऊपर या 8400 आर्टिकल के ऊपर, ये उस टाइप की डोर लग रही है। बिल्कुल, और आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए माल एकदम ऊपर तक की लकालक एकदम आपको भरा दिख रहा होगा, यानी कि चढ़ी हुई डोर है तो आप समझ सकते हैं बहुत शानदार डोर ये लगवाई गई है। इस डोर में कहीं से कोई भी शिकायत नहीं आ सकती है, गारंटी है मेरी। बिल्कुल एकदम आपको डोर जो हमारे पास से मिलेगी बिल्कुल गारंटीड डोर मिलेगी, कहीं से भी कोई इशू नहीं मिलेगा आपको। छल्ले में आपको दिखाता, पर दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं, काफी ज्यादा मतलब फैल जाएगा, खराब हो जाएगी, इसलिए मैं इसके छल्ले नहीं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, वरना इसके मैं आपको अभी छल्ले दिखाता, आप सबको मजा ही आ जाता। थोड़ा सा मटेरियल दिखाना चाहूंगा अभी, सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मटेरियल दिखाना चाहूंगा। दोस्तों मटेरियल किस हिसाब का लगा हुआ है आप इसमें मटेरियल देखिएगा, देखिए देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए जिस हिसाब से मटेरियल लगा है इस डोर में, सितारे आपको चमचमा रहे हैं डोर के ऊपर, ये देखिए मतलब शानदार शानदार एंड जानदार। देखिए आप डोर मूव करिए थोड़ा सा इसको, ये देखिए, ये देखिए मतलब अगर आपने इसको लिया और आप छत पे चढ़ गए इसको लेके, तो समझिए तबाही मचा देंगे आप वहां पे, बिल्कुल इससे आप खतरनाक तबाही मचा देंगे, एकदम हंगामा मचा के रख देंगे आप इस डोर से। ये देखिए, क्योंकि डोर बहुत ज्यादा शानदार है, ये इतनी तारीफ हम नहीं करते हैं किसी डोर की, बिल्कुल कर रहे हैं कि ये हमारा ब्लॉक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें डोर बहुत अच्छी है, गोल्ड डोर बनाई है, बिल्कुल गोल्ड डोर है। अब मैं इस डोर का आपको इसकी स्ट्रेंथ मैं आपको चेक कराता हूँ। बिल्कुल शावेश भाई चेक कराएंगे, लाइए कैमरा मुझे दे दीजिए, फिर शावेश भाई आपको स्ट्रेंथ चेक कराएंगे इस डोर की। तो चलिए दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, देखिए मैंने इसको हाथ में, और चलिए स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
एक बार इस हाथ को थोड़ा सा ढीला करके थोड़ा सा एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कितने हो गए थे? 54 55 56 56 बार 56th टाइम में टूटा है। देखिए जबरदस्त स्ट्रेंथ है डोर की और अंदर जो डोर निकल रही है वो तो भाई। और अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इसके मैं आपको कॉर्ड्स दिखाना चाहूंगा, इसके बल मैं खोला जा रहा हूँ, दिखाएंगे आपको। कोई भी ऐसे खोल के नहीं दिखाता है, हम ही दिखाते हैं बस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शावेज भाई को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है डोर को ओपन करने में, क्योंकि इस पे जो माल चढ़ा है उसका जमाव बहुत ही शानदार है और इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बताएं, इतना टाइम मेहनत है डोर में, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा दबाव होता है डोर पे, जितना ज़्यादा डोर दबा के बनाई जाती है, उसके बल खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि बल खोल के दिखाऊंगा, तो मैं इसके बल और इसके कॉर्ड्स आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शावेज भाई ने इसके तीन बल ओपन कर लिए। मैं पास से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तीन तार है इसके। देखिए आप देख सकते हैं इसके तीन तार ओपन हो गए हैं इसके।
अब तीन में छह होते हैं। बिल्कुल, तीन में ही आपको छह मिलेंगे इसमें, ये देख सकते हैं आप। शाहिज भाई जरा ओपन करके दिखाइए। अब मैं एक आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरे छह तार देखने को मिल रहे होंगे। देखिए मैं गिनाना चाहूंगा, एक दो, ठीक है, ये देखिए तीन, ठीक है, ये देखिए एक यहाँ पे चार पांच और ये छह, छह तार हैं ये। तो नॉलेज वाली बात ये है, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा हल्का सा रेशा फुचले टाइप का, यानी कि ये रेशम होता है दोस्तों। वन टू थ्री में ऐसा नहीं होता, वन टू थ्री जो होता है वो बहुत आसानी से खुल जाता है, और एक बार जैसे उसको आप दो बार तीन बार मूव करेंगे तुरंत तीन कॉर्ड उसके जो होते हैं, तीन तार जो होते हैं थ्री कॉर्ड, वो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप उसको उल्टा आप मूव करेंगे एक बार ऐसे, दूसरी बार उसका अपोजिट उल्टा, तो उसमें क्या होता है तुरंत उसका जो उसके जो कॉर्ड्स होते हैं, उसके जो बल होते हैं, जैसे ही बल खुलते हैं आपको ऊपर ही उसको इतना फाड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वन टू थ्री को, वो तुरंत उसके सिक्स कॉर्ड ओपन हो जाते हैं। और उसमें जो उसके जो कॉर्ड्स होते हैं आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसके एकदम बंधे हुए होते हैं, उसमें रेशा नहीं होता है। इसमें जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था, इसमें रेशम होता है, देखिए आप देख रहे होंगे इसमें महीन महीन रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैदान में भी लोग रॉकेट उड़ा देते हैं, मैं कभी नहीं बोलूँगा किसी से मैदान में रॉकेट उड़ाने के लिए, क्योंकि मैदान में रॉकेट अलाउड नहीं है, ये थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है दोस्तों। और चीटिंग करके पतंग काटना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बराबरी मुकाबला हमेशा बराबर का होता है। अगर कोई वन टू थ्री यूज़ कर रहा है, आप उसके पर 8400 या रॉकेट या कोई भी वगैरह वगैरह इतनी डोरे आती, कोई भी अगर आप उसको लड़ा रहे हैं, अपोनेंट है वो वन टू थ्री लड़ा रहा है, आप कोई गलत डोर लड़ा रहे हैं, तो फिर दोस्तों चीटिंग करके काटने से कोई फ़ायदा नहीं। आपने उसको काट भी दिया कहीं ना कहीं आपके मन में यहाँ पे बात रहेगी कि मैंने तो यार चीटिंग करके, तो अपनी नज़र में ही आप नहीं उठ सकते दोस्तों। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको जो भी राय दूँ वो अच्छी दूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा सिक्स कॉर्ड है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, आप मर्ज़ी आपकी, जहां मर्जी आप लड़ाइए, जल्दी कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्या है, पर मैंने आपको बिल्कुल खुल के बिल्कुल ओपन बता दिया कि क्या चीज़ है ये। ये रॉकेट था जो कि मैंने आपको दिखाया, ये आसान सा एक फंडा है, आपको डोर किसी के डोर पर शक हो आप उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो आप एक काम करिए, अगर आपके पास कोई चरखा वन टू थ्री का है या किसी और के पास हो तो आप उसमें क्या करिएगा, ये दोनों को दोनों सिरे इस तरह से बांध दीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए आपका ये वन टू थ्री है, जैसे कि ये चार तार है, सीधा सा फंडा होता है, मैंने चार तार से चार तार को मैं इसका गंडा तोड़ने जा रहा हूँ, ये गंडा इसका मैंने तोड़ दिया, और सपोज करिए आप ये हमारा दो मांझे हैं, एक इसमें वन टू थ्री है, दूसरा रॉकेट है, तो इसको आप देखिएगा, ये देखिए क्या हुआ, आपने नज़र देखिए, मैंने नहीं बताया था इसमें कौन सा वन टू थ्री है कौन सा रॉकेट है, ये फोर कॉर्ड है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम थी और इसकी ज़्यादा थी, ये सिक्स कॉर्ड है। तो अब देखिए ये चरखी का जो सिरा आ रहा है ये इस चरखी में आ रहा, दिखा दिए ऋषभ साहब आप, ये देखिए इसका जो सिरा आ रहा सिक्स कॉर्ड में आ रहा है, और ये देखिए इसने इसको तोड़ लिया, ये देख सकते हैं आप, तो आपको नजर आ रहा होगा इसने इसको तोड़ लिया, क्यों तोड़ लिया, क्योंकि ये सिक्स कॉर्ड है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है इससे, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, तो बहुत सीधा सा फंडा है दोस्तों। अगर आपको स्ट्रेंथ चेक करनी हो और आपको कोई भी डाउट हो तो वन टू थ्री से आप दूसरी अदरवाइज कोई डोर बांधेंगे तो वन टू थ्री जल्दी टूट जाएगी, तो बहुत आसान सा फंडा है ये। चलिए दोस्तों अब वीडियो में हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं और काइट की अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, ये देखिए कितने सारे बैग रखे हुए हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि मैं इधर की तरफ आ गया हूँ और कितने सारे बैग लगे हुए हैं, अब एक एक करके इन बैग्स की अनबॉक्सिंग करते हैं हम और आपको दिखाते हैं कि इन बैग में कौन सी पतंगे आई हैं और कैसी पतंगे हैं, और आप सबके लिए बहुत ही शानदार पतंगों का बैग ओपन होते हुए, ये देखिए खाना गुंबती पतका लंबा फरमा, ये देखिए शानदार और बहुत जानदार, बहुत जानदार पतंग, ये देख सकते हैं आप, छोटा फरमा है पतंग की, आप क्वालिटी देखिए, पतंग में जो डोरी बिट्ठे किए गए हैं उनकी क्वालिटी देखिए,
और ये देखिए कितना शानदार पतंग है। कमानी ठड्डे आप देख सकते हैं वैसे जैसे कि जानदार शानदार होते हैं हमारे। ये देखिए एकदम खतरनाक पतंग है। आप को इस पतंग से रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी निकली है। प्लेन है, सब अजंता है। अजंता है, फर्मा एक चेक करा दिया आपने, सारी अजंता हाँ। है इसमें। इसमें ब्लू कलर भी है आप देख सकते हैं। एक ब्लू निकाल देता हूं मैं आप सबके लिए, ब्लू की क्वालिटी में चेक करा देता हूं। ये देखिए अब ब्लू पतंग की भी क्वालिटी देख सकते हैं, जानदार शानदार कमानी ठड्डा। ये देखिए फिनिशिंग देखिए, ये देखिए समोसा टाइप का पतंग है, ये बहुत ही शानदार पतंग है। तो चलिए हवाएं इस समय थोड़ी सी निकल के आने वाली है तो लोग रेंज में पतंग लड़ाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो रेंज के लिए अच्छा पतंग है, एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, देख सकते हैं आप। तो चलिए एक बैग ये हो गया। इस बैग में आई गेस पूरा यही पूरी 500 काइट है, यही काइट साई है आज इस वाले में। तो इस बैग थोड़ा सा साइड करते हैं, नीचे रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओपन करने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या आया हुआ है। बहुत ही हिफाजत से ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी ये बड़ा फर्मा है ना शावेद भाई, ये बड़ा फर्मा भरा फर्मा। ये देखिए क्वालिटी देखिए, क्योंकि हम क्वालिटी ही दिखाएंगे। जोड़ देखिए पहली बात तो, कितना शानदार जोड़ लगा हुआ है। सभी में जोड़ नहीं होंगे, जो दो में से एक पतंग में जोड़ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए क्वालिटी आप सब जानते हैं हमारी पतंगों की कैसी होती है, तो क्वालिटी के बारे में ज्यादा बताने की तो हमें कोई जरूरत है नहीं। ये देखिए इसी में आपको ब्लैक पतंग भी मिल जाएगा विद ऑरेंज पत्ता। पत्ता देखिए कितना कंट्रास्ट का, कितना शानदार लगा हुआ है। तो अब देखते हैं इसमें और क्या निकला है, जल्दी जल्दी आपको लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारी इसमें पतंगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको अनबॉक्स करनी है। बहुत खूबसूरत पतंग लग रहा है। ये देखिए पीले पत्ते पे देखिए कितना शानदार लग रहा है। पत्ते लगाने का रीज़न ही यही होता है इस टाइप के कि जब पतंग ऊपर जाए तो आपको पत्ता समझ में आए, जब दूर पतंग जाए तो आपको पत्ता समझ में आए। ये देखिए क्वालिटी देखिए पतंग की। ये देखिए कमानी ठड्डा देखिए ज़रा, एकदम जानदार ठड्डा लगा हुआ है। ये देखिए जानदार का रीज़न यही होता है कि जिसको भी अपने हिसाब से छीनना है वो छील के अपने हिसाब से पतंग को सेट कर सकता है। ये देखिए आप पतंग की खूबसूरती देखिए, कितनी खूबसूरत पतंग है देख सकते हैं। तो चलिए लंबा फरमाइए बिल्कुल, ये भी 13 रुपए का है, वो भी 13 रुपए का आपको मैंने दिखाया था। इसमें देखते हैं और कोई निकला है, अगर इसी पे आपको एक रेड पत्ता भी मिल जाएगा। प्लेन पतंग मत चेक कराइए, लंबा बिल्कुल बिल्कुल, एक पतंग और चेक करा देता हूँ बस ज़रा सा। ये देखिए इस पे आपको रेड पत्ता मिल जाएगा। चलिए ये वाला बैग भी हम डन करते हैं, नेक्स्ट बैग हम ओपन करते हैं। इन बैग को रखें कहाँ, जगह तो है नहीं क्योंकि जगह शॉप पे नहीं, बिल्कुल इसी के ऊपर ऐसे थोड़ा सा स्टॉक लगा हुआ है रख देते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा बैग ओपन करते हैं, तीसरे बैग में आपको दिखाते हैं कि क्या आया है, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि किस बैग में क्या है। चलिए ज़रा जल्दी से आपके लिए जल्दी जल्दी स्टॉक की अनबॉक्सिंग। देखिए सेम गोल फर्मा है, ये आप देख सकते हैं गोल फर्मा, नहीं लंबा है, लंबे में गोल है, लंबे में गोल है, वही चीज़ भरा फर्मा लंबे में गोल है। क्वालिटी देख सकते हैं आप पतंग की, ये देखिए ये पतंग, ये देख सकते हैं आप क्वालिटी देखिए कितना साफ सुथरा, जो हमारे शावेश भाई कहते हैं कि आईना हो रही है पतंग, तो एकदम आईना हो रही है पतंग। अजंता पेपर है, चार बिल्कुल है, ये देख सकते हैं आप, शानदार कागज है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पतंग कितना शानदार है, भरा फर्मा लंबे में गोल फर्मा है ये। गैस इस बैग में पूरी यही है, ये पतंग निकालते हैं, ये स्पेशल पतंग है। ये देखिए ये पतंग 18 रुपए का, ये पतंग जो है इस पतंग का प्राइस है 18 रुपए का पतंग है ये। ये देखिए आप पहली बात बोलेंगे कि 18 रुपए का क्यों है, तो आप इस पे केवल काम देखिए, कमानी ठड्डे पे आप काम देखिए किस हिसाब का काम किया गया है इस पे। 300 गज से लेके 1200 1500 गज तक आप इसको आराम से लड़ा सकते हैं। फैंसी पतंग है ये, बड़ा फरमा, ये देखिए बड़ा फरमा है, जो फुल साइज का पौना होता है लोग बोलते हैं, टूर्नामेंट साइज है, टूर्नामेंट साइज है ये देखिए, जो रियल पौना होता है वो पौना है ये। तो ये पतंग जो है स्पेशल, ये 18 रुपए के प्राइस का है, बाकी सब 13 बिल्कुल, बाकी सब जितनी पतंगें हैं वो सब आपको 13 रुपए के ही प्राइस पे मिलेंगी। इसमें कलर भी शायद शावेश भाई बता रहे हैं अलग अलग हैं,
तो ट्राई करता हूँ मैं देखने के लिए कि कौन सा कलर है। हाँ बिल्कुल, अगर ब्लू कलर मिलेगा मुझे तो मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ पत्ते आई गेस अलग हैं, पत्ते वाइट हैं, पत्ता येलो है। एक सेकेंड निकला है, ये देखिए भाई बड़ा फर्मा, 18 रुपए के प्राइस की पतंग है। हल्की सी ये जाती है बस, ये देखिए बहुत ही शानदार पतंग है, फुल साइज़ की पतंग है। ये देखिए मानी खड्डा, देखिए एकदम जानदार शानदार, देख सकते हैं आप। और देखते हैं और किस बैग में क्या है और आपको दिखाते हैं। इस बैग में बस पत्तों का ही डिफरेंस है आई गेस। हमारे खूबसूरत है हमारे तारिक भाई, गोल्डन काइट क्लब कानपुर, बहुत देश परदेश में आपने इनको देखा होगा, बहुत शानदार पतंगबाजी करते हैं। कई बार इन्होंने गेम का रुख चेंज कर दिया। एक बार मेरा लखनऊ से काइट फाइटिंग हो रही, लखनऊ का बहुत अच्छा क्लब लड़ रहा था, शायद मेरे ख्याल से कौन सा क्लब था वो, लखनऊ का एक बहुत फेमस क्लब था, मैं नाम बता सकता हूँ मगर नहीं लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर नाम। आए मौके पर तारिक भाई ने पूरा वो गेम चेंज कर दिया था। 7 टिकट थे लखनऊ के, मेरे टिकट 7 लखनऊ के पास थे, तारिक भाई ने ऐसी 11 पतंगें काट दी थी वहाँ पे, नॉन स्टॉप लखनऊ एंड टाइम पे घट गया था। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था वहाँ पे, देखने वालों को मज़ा आ गया था। तो बहुत अच्छी काइट फाइटिंग करते कानपुर के बहुत फेमस खिलाड़ियों में से हैं हमारे तारिक भाई, गोल्डन काइट क्लब कानपुर। तो चलिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ काइट का, तो एक रिव्यू तारिक भाई के हाथ से ही करवाना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं चाहूँगा तारिक भाई बताएं इसकी खूबी। बिल्कुल तारिक भाई बताइए पतंग कैसी है। अच्छी पतंग है, छोटे बेच की बहुत अच्छी पतंग है, साफ बिल्कुल बहुत शानदार है, काप भी ठड्डा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पतंग है, छोटे बेच की 400-500 गज के लिए बहुत अच्छी पतंग है ये। कमाई ठट्टे में काम है, सब शानदार एक नंबर का। हमारे शावेद भाई के यहाँ बहुत अच्छा मटेरियल, पतंग सब कुछ अच्छा मिलता है, एक बार खिदमत का मौका ज़रूर दें इनको। खिदमत का मौका तो आपने भी दे दिया है। तारिक भाई हैं, तारिक भाई का एक छोटा सा रिव्यू था, तारिक भाई ने बताया। देखिए मैं आपको कमानी दिखाना चाहूँगा इस पतंग की, कमानी में किस तरह का काम है। शाविस भाई आपको दिखाएंगे इसकी कमानी में किस हिसाब का काम किया गया है। ये देखिए शानदार काम किया गया है कमानी में, कमानी ठड्डे दोनों में, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये है पतंग जिसका की प्राइस है 18 रुपये, सामने येलो पत्ता और अलग अलग, ये देखिए हाँ बस पत्तों में ही डिफरेंस है और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस निकलता है तो हम आपको दिखाएंगे। अब फिर से और बैग्स ओपन करते हैं, इस बैग में देखते हैं कि क्या निकलेगा। ये देखिए इसमें भी सेम पतंगें ही निकली हैं, ये देखिए देख सकते हैं, ये देखिए लाल पत्ते पे कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए फिनिशिंग में कोई कमी नहीं। हाँ कहीं से कोई पतंग में वैसे भी कोई कहीं से भी कमी नहीं है, चाहे वो फिनिशिंग हो चाहे वो कुछ भी हो। इसमें देखते हैं कि अगर कोई और कुछ और निकलता है तो फिर आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल से सारी पतंगें ब्लैक ही हैं इसमें, ब्लैक या ब्लू जो भी होंगी। तो इस बैग को भी साइड में करते हैं और कोई बैग निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसको साइड। पांचवा बैग मैं ओपन करने जा रहा हूं। अब देखिए इतने सारे बैग तो कर लिए ओपन, अब इसमें ब्लू, हाँ ब्लू कलर निकला है, बाहर से देखने को मेरे को ब्लू लग रहा है। ये देखिए शानदार पतंग, बहुत शानदार, बहुत शानदार पतंग है। ये देखिए एक मिनट ये पतंग लाओ, इसका रिव्यू तारिक भाई से करो। हाँ सारी पतंग यही है। तो चलिए ये वाली पतंग जो निकली है ये भी 13 रुपए के ही प्राइस की पतंग है और इसका रिव्यू अब मैं तारिक भाई से करवाना चाहूँगा। चलते तारिक भाई के पास और उनसे रिव्यू करवाते हैं और वो बताएंगे कि कैसी पतंग है। तो ये लीजिए तारिक भाई आप बताइए, सीनियर खिलाड़ी तारिक भाई हैं, तारिक भाई ही आपको ज़्यादा उसकी खूबियाँ बता पाएंगे, मैं तो कम बता पाऊँगा। तारिक भाई आप देखिए पतंग बताइए कि पतंग कैसी है ये। प्राइस को देखते हुए बहुत अच्छी पतंग है जी, दौड़ है पतंग में और फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी। तारिक भाई बताना चाहूँगा 13 रुपए की पतंग है ये, बहुत प्राइस को देखते हुए बहुत अच्छी पतंग है ये, काफ ठड्डा भी इसमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत साफ सुथरी अच्छी पतंग है। देखिए
पूरा चौका चेक करिए, कुछ पतंगे ऐसा होता हल्की भारी अलग अलग है, तो अलग अलग सब सारी पतंग अच्छी हैं इसमें। चौके में चारों पतंग अच्छी हैं, सेम है। और सफाई पतंगें जो होती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। पैसे को देखते हुए बहुत अच्छी पतंग है ये, बिल्कुल पेज की बहुत अच्छी पतंग है। अब देख सकते हैं हर पतंग की फिनिशिंग एकदम सेम मिलेगी आपको। तारिक भाई 13 रुपए की पतंग है, कितने मार्क्स देंगे इसमें से आप? 10 में से पतंग से तो 10 दे देंगे, 10 में से बता देंगे। तो तारिक भाई ने इसमें 10 में से 10 मार्क्स दिए हैं। बिल्कुल सब पूरी पतंगे सब एक सी हैं, अच्छी पतंग है। देख सकते हैं आप एकदम कमानी देखिए कैसे बैठी हुई है एकदम शानदार तरीके से। अब आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तारिक भाई बिल्कुल अब उन्होंने बता ही दिया, अब हम क्या ही बता सकते हैं। चलिए एक और बैग रखा हुआ है उसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या निकला है। चलिए और निकला है देखिए, ये देखिए एक और कलर कौन सा है, मेहंदी कलर है ये, मेहंदी कलर पे तारिक भाई के हाथ में चढ़ता है ये, नंबर 1 अदनान अली 11 स्टार। रॉयल चैलेंजर का एक और रिव्यू तारिक भाई द्वारा, इमरान भाई की डोर है ये, बहुत अच्छी बारीक बनी है, काटा बहुत अच्छा है, स्मूथनेस है और बहुत अच्छा इसमें मटेरियल भी पड़ा हुआ है। जैसे चाहें आप वैसे लड़ा लें इस डोर को और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और ये कलर, ये चरखा आपने किसके लिए परचेस किया है? ये चरखा हमने लिया है, हमारे दोस्त हैं बाराबंकी में, शानू भाई, शानू जिलानी। ये उनके लिए है, शान जिलानी, हाँ ये उनके लिए है, उनके पास जाएगा। तो शान भाई ये चरखा देख लीजिए, चरखा आपके पास जा रहा है, ग्रीन कलर का ये चरखा है और पिकॉक कलर है ये ब्लू नहीं है, शायद आपको वीडियो में ब्लू दिख रहा होगा मगर ये पिकॉक कलर है, बहुत अच्छा कलर है, डोर बहुत अच्छी है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। इस डोर को फंसाने में महारत हासिल हो चुकी है, तो तारिक भाई की ये पसंद है, दो चरखे तारिक भाई ने पसंद किए थे, एक और पसंद किया था रॉयल चैलेंजर का, पहले ये पसंद किया था फिर इसके बाद उन्होंने वो चरखा पसंद कर लिया। ये थोड़ा सा ताज़ा था, ये अभी ओपन हुआ था तो इसलिए तारिक भाई ने इसको थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिया है, और पुरानी डोर जैसे कि पली भी, क्योंकि खिलाड़ी जो मंझा हुआ खिलाड़ी होता है वो चीज़ों की अहमियत जानता है, जैसे कि आप सब जानते हैं हीरे की कदर जो होता है वो जौहरी जानता है। इसी हिसाब से देखिए आप, मैं अब आपको इसके बल दिखाऊंगा, देखिए हल्का सा तारिक भाई इसको थोड़ा मूव करिए, इसमें मटेरियल देखिए किस हिसाब से नज़र आ रहा है डोर में, शीशा तो दूर से चमक रहा है, शीशा बहुत है डोर में, शीशा बहुत है, डोर स्मूथ है जैसे कि तारिक भाई ने बताया, उसके साथ साथ काटा भी है डोर में, मटेरियल भी पड़ा है, मेहनत भी है डोर में। इसके बल दिखा दें, एक डोर के बल, ये डोर के बल हैं, ये देखिए आप हल्का सा मूव करिए इसको, ये है हमारे तारिक भाई की पसंद, रैपर लाइए इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आपने देख भी लिया कि एक चरखा भी परचेज हो गया और काफ़ी सारे व्लॉग्स, जैसे ये हो गया हमारा टेरिस चैम्पियन हो गया, रॉयल चैलेंजर हो गया, अदनान अली के भी काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं, बरेली लॉयन में भी इसमें भी निकला है, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिली हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं से एंड करना चाहेंगे। पतंगें भी काफ़ी सारी आपको दिखाई गई हैं, तो जिसको भी जल्द से जल्द ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर टाइमिंग्स तो अब तो कुछ भी नहीं है, आप किसी भी टाइम कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करना चाहूँगा और कल हम आपको 1 बजे करेक्ट बरेली में मिलेंगे, लाइव आएंगे, तो उस चीज़ का वेट ज़रूर करिएगा, उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, और जितने भी मांझे हैं हम अपने टूर्नामेंट के लिए जो भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट है उसके लिए बनवा रहे हैं वो सारे हम आपको दिखाएंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइज़।